चतुर कौआ। चिंटू एक चतुर कौआ था। एक दिन वो खाने की तलाश में घूम रहा था। बहुत तेज धूप थी, चिंटू को बहुत प्यास लग रही थी। वो पानी खोजने लगा पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। एक जगह उसे एक सुराही में थोड़ा सा पानी मिला पर चिंटू उसे पी नहीं पा रहा था। उसने कुछ देर सोचा। अचानक उसे एक उपाय सूझा और वो आसपास पड़े पत्थर और छोटी छोटे कंकड़ों को उठाकर उस सुराही में डालने लगा। कुछ ही समय में पानी ऊपर आ गया। चिंटू ने खुशी से अपनी प्यास बुझाई और उड़ चला। लालची कुत्ता। रोजर नाम का एक कुत्ता एक शहर में रहता था। उसे हड्डियां चबाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब वो कहीं जा रहा था तो उसे सड़क पर एक मांसदार हड्डी पड़ी मिली। वो उसे मुंह में दबाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। उसे अपना प्रिय भोजन जो मिल गया था। रास्ते में जब वो एक पुल पार करने लगा तो पानी में उसने एक कुत्ता देखा जिसके मुंह में एक हड्डी का टुकड़ा था। रोजर का लालच बढ़ गया और वो उस हड्डी के टुकड़े को भी लेने की तरकीब सोचने लगा। उसने सोचा कि वो भौंक कर उस कुत्ते को डरा कर भगा देगा और उस हड्डी को ले लेगा। जैसे ही उसने भौंकने के लिए अपना मुंह खोला, उसका हड्डी का टुकड़ा फिसलकर नदी में जा गिरा। बेचारा रोजर लालच में ये भूल गया कि वो पानी में अपनी ही परछाई को देख रहा है। बंदर का न्याय। एक दिन दो बिल्लियों को रोटी मिली। एक बिल्ली ने झट से झपट कर उसे उठा लिया तो दूसरी बिल्ली उसे छीनने लगी। पहली बिल्ली बोली, ये मेरी है, मैंने इस रोटी को पहले उठाया है। इस पर दूसरी बिल्ली बोली, लेकिन मैंने इसे पहले देखा इसलिए ये मेरी है। इस तरह जब वे लड़ रही थी तभी एक बंदर वहाँ से गुजरा। बिल्लियों ने उसे न्याय करने को कहा और बंदर उनकी बात मान गया। बंदर ने कहा, मुझे रोटी दो। उसने उस रोटी के दो टुकड़े किए, फिर अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं, ये दो टुकड़े बराबर नहीं है, एक टुकड़ा बड़ा है। इसीलिए उन्हें बराबर करने के लिए उसने बड़े टुकड़े का कुछ हिस्सा खा लिया, लेकिन फिर भी दोनों टुकड़े बराबर नहीं हुए, इसीलिए उसने दूसरे टुकड़े का कुछ हिस्सा खा लिया। ऐसा करते करते आखिर में केवल दो छोटे टुकड़े ही बचे। ये देखकर वो उन बिल्लियों से बोला, मैं इन छोटे से टुकड़ों को तुम्हें कैसे दूं? और वो उन्हें भी खा गया। लाचार बिल्लियों को अब समझ में आया कि दो की लड़ाई में फायदा तीसरे का होता है। शेर और चूहा। मिकी चूहा ऊपर नीचे कूद फांद कर खेल रहा था कि अचानक पास सो रहे शेर के ऊपर जा गिरा। शेर गुस्से से तिल मिला उठा। उसने चूहे को अपने पंजों में दबोच कर खा जाने की धमकी दी। मिकी बोला, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, इसके बाद मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूँगा और समय आने पर आपकी मदद करूँगा। शेर को उस नन्ही जान पर दया आ गई और उसे उसने आजाद कर दिया। और उसने सोचा, भला ये चूहा मेरे किस काम आएगा। कुछ दिन बाद जब शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया तो उस चूहे ने तुरंत अपने नुकीले दांतों से जाल काट डाला और शेर को आजाद कर दिया। दो भिखारी। सोहन और मोहन दो भिखारी थे। वे दोनों एक बड़े मंदिर के बाहर अन्य भिखारियों के साथ खाना और पैसा भीख मांगते थे। सोहन लंगड़ा था और मोहन अंधा। एक दिन एक अमीर आदमी आकर बोला, मित्रों, मैंने अपने घर एक शानदार दावत का इंतजाम किया है, आप लोग जरूर कल मेरे घर आ जाना। सोहन और मोहन एक दूसरे की मदद के बगैर नहीं जा सकते थे। मोहन ने सोहन से कहा, दोस्त, अगर तुम मुझे रास्ता बताते जाओगे तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलूंगा। और दोनों ने ऐसा ही किया और जाकर दावत का मजा उठाया। दोनों बहुत खुश हुए।